हेलो दोस्तों, चैनसा सर्विस चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे कि चैनसा ओवरफ्लो हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका चैनसा दोबारा स्टार्ट हो जाए। जैसे आप चैनसा से कटिंग कर रहे हैं और आपके चैनसा का फ्यूल ख़त्म हो गया है, दोबारा से आप टैंक में फ्यूल डालें, उसके बाद आप अपना चैनसा स्टार्ट किए, आपका चैनसा नहीं स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट इसलिए नहीं होता कि जैसे कि आप चैनसा चला के आए, आपका चैनसा हीट हो जाता है। जब हीट होता है तो वो दोबारा से तुरंत स्टार्ट नहीं होता है। वैसे कई लोग परेशान हो जाते हैं, स्टार्ट कर देते लेकिन स्टार्ट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जब आपका चैनसा हीट हो जाए उसके बाद दोबारा से स्टार्ट ना हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसे आपका जो चैनसा है वो ओवरफ्लो इसलिए होता है कि जैसे आप तेल डाले उसके बाद आप स्टार्ट कर रहे हैं, मशीन स्टार्ट कर रहे हैं, आपका मशीन हीट है इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। और जो आपका कार्बोरेटर है वो आपका जो फ्यूल है वो सिलेंडर और पिस्टन में पहुंचा रहा है। तो इससे होता है आप कई बार इसका जो डोरी है खींचें, कई बार खींचें तो आपका जो कार्बोरेटर है वो कंटिन्यू फ्यूल पहुंचा रहा है, तो फ्यूल जाके उसमें जम जाता है। फ्यूल जो है उसमें जाके जो सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, उसमें जाके भर जाता है। जब भर जाता है तो आपका चैनसा ओवर हो जाता है। जब ओवर हो जाता है तो आपका चैनसा स्टार्ट नहीं होता है। तो आपको सिंपल सी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस ट्रिक से, इस ट्रिक को जान के। आपका कभी भी चैनसा स्टार्ट ना हो तो ये ट्रिक आजमा के देखना, 100% आपका चैनसा स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके चैनसा में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जैसे सिलेंडर आपका ख़त्म हो गया है, सिलेंडर पिस्टन ख़राब है, तो ऐसे अगर आपका चैनसा सही है तो ये ट्रिक आपको 100% काम में आएगी और आपका जो चैनसा है हीट होके बंद हो जाता है तो स्टार्ट नहीं होता है। कई भाई परेशान हो जाते हैं स्टार्ट करते करते, बट आपका चैनसा कुछ टाइम बाद स्टार्ट होता है। जब आपका सिलेंडर पिस्टन, जो सिलेंडर पिस्टन होता है वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद आपका चैनसा स्टार्ट होता है। तो आपको बताएंगे, पहले बताएंगे कि चैनसा मशीन जो है इसको स्टार्ट करने का सिंपल सा तरीका है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी तक चैनसा सर्विस चैनल को 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, आप लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार दिखाएं। आपका भाई या कुछ भी अपना समझ के हमको भी प्यार दिखाएं। मैं चैनसा से बहुत परेशान था पहले, जब मेरा भी कटिंग का काम है, मैं भी कटिंग करवाता हूँ। तो मैं पहले जब चैनसा स्टार्टिंग में चैनसा खरीद के लाए थे, उसके बाद मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैं 80 किलोमीटर जाता था इसको रिपेयर करवाने के लिए। मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ से 80 किलोमीटर जाता था रिपेयर करवाने के लिए, और जैसे कटिंग करते करते चैनसा ख़राब हो जाता था तो जो काम रहता था वो भी बंद हो जाता था और एक दिन का टाइम भी निकल जाता था। एक दिन जाने आने में और बनवाने में एक दिन का टाइम निकल जाता था। इसलिए मैं कई बार 5-6 बार बनवाने गया, उसके बाद अपने घर पे खुद ही इसको खोलने लगा और खोल खोल के सारा कुछ सीख गया हूँ। आज मैं चैनसा का एक एक पार्ट जो है जानता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से प्रॉब्लम है, सारा कुछ रिपेयर करता हूँ। और मैं जब स्टार्टिंग में चैनसा ख़रीदा था तो मैं 5 या 6 चैनसा लाया था, उसके बाद पहले एक लाया था, उसके बाद 5 खरीद के लाया था। 6 चैनसा मेरे पास थे। जब सारे चैनसा ख़राब होते थे तो
सारे चैनसा उठा के एक साथ लेके जाता था बनवाने के लिए। ये समझ लो आप, इतना दूर था कि जाने में बहुत दिक्कत होती थी, जाने में एक दिन का टाइम निकल जाता है। इसलिए सारी जब मशीनें जो वहाँ चैनसा होते थे, सारे चैनसा जब खराब हो जाते थे तभी मैं लेके सारे चैनसा को पहुँचता था मैकेनिक के पास, तब वहाँ से रिपेयर करवा के लाता था। इसलिए मैं जब से रिपेयर करने लगा हूँ, फिर मैं सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे भाइयों की मदद की जाए और कुछ भाइयों को सिखाएं कि कैसे चैनसा रिपेयर किया जाता है। इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने लगा, फिर आप लोगों ने प्यार दिखाने लगे और फिर मैं वीडियो बनाते गया, आज आप लोगों से फिर से एक वीडियो में मिल रहा हूँ। तो जिस भाई को वीडियो में कुछ भी समझ में आता हो या क्या होता है वो वीडियो में बनाता हूँ, बस आप लोगों के लिए समझ में आता है या नहीं आता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आपको बताते हैं कि जब आपका चैनसा ओवरफ्लो हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। बस छोटी सी ट्रिक, कुछ नहीं करना है, बस आपको जो आपका स्केलेट होता है, स्केलेट, इसको आपको नीचे से जैसे स्केलेट ये लगा होता है, इसको आपको दबा देना है, पूरा ऐसे दबा के रखना है, ऐसे जो है इसको दबा के रखना है। और दबा के रखने के बाद जैसे आप पैर से भी इसको जो है ऐसे अंगूठे से इसको ऊपर की तरफ दबा के रखें, और उसके बाद आप जो है डोरी को 8-10 बार खींचेंगे तो आपका जो चैनसा है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक दो में तो हो सकता है, बट 8-10 में तो चैनसा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ओवरफ्लो हो जाता है तो कई जो है किक लगती है इसको स्टार्ट करने में, इसलिए कई बार में स्टार्ट होता है। इसलिए आप इसको, लेकिन जो स्केलेट होता है इसको आपको दबा के रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। जब तक आपका चैनसा स्टार्ट ना हो जब तक छोड़ना नहीं है, आपको एक दो बार ऐसे ही ट्राई करना है, 8-10 बार डोरी खींचना है। अगर एक दो बार में आपका चैनसा आपको लगे कि चैनसा मूवमेंट कर रहा है स्टार्ट होने का तभी करें, नहीं तो फिर मैकेनिक के पास ले जाएं, उसके बाद इसको दिखाएं, अपने चैनसा को दिखाएं क्या प्रॉब्लम है। वैसे अगर आपका चैनसा ओवरफ्लो हो जाएगा तो स्टार्ट हो जाएगा, अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो, अगर और कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपका चैनसा नहीं स्टार्ट होगा। आप जैसे स्केलेट दबा के रखेंगे और डोरी को बाहर खींचेंगे, कई बार आप स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका जैसे 5-6 बार की आप डोरी खींचे, उसके बाद क्या होगा कि आपका जो साइलेंसर होता है इससे स्मोक निकलने लगेगा, हल्का हल्का जो है धुआं निकलने लगेगा, आपका जो चैनसा है वो स्टार्ट होने का मोमेंट बनाने लगेगा। उसके बाद पहले एक दो बार मोमेंट बनाएगा, उसके बाद दबा के रखना है, मारते रहना है, आपको डोरी खींचना बंद नहीं करना है, उसको कंटिन्यू मारते रहना है, डोरी को खींचते रहना है, आपका चैनसा स्टार्ट हो जाएगा। जब आप चैनसा स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्केलेटर को आपको दबा के रखना है फुल, जो स्केलेटर यहाँ पे रेस के लिए लगा होता है जिससे आपकी दबाने से चैन राउंड करती है, तो इसको आपको फुल दबा के रखना है। जैसे आप कोई है आपके साथ तो उससे दबा के रखने के लिए बोलिए, या तो आप अकेले ही हैं तो अंगूठा जो पैर का आपके अंगूठा होता है इससे आप जो है ऊपर की तरफ दबा के रखें, और उसके बाद जो आपका चैनसा है उसके बाद चैनसा को स्टार्ट करें। ये आप ध्यान में रखें कि जो आपका स्केलेटर है इसको आपको दबा के रखना है, इसको जब तक आपका चैनसा स्टार्ट ना हो जब तक आपको इसको छोड़ना नहीं है। जब आपका चैनसा स्टार्ट हो जाए तो उसको कम से कम 10 से 20 सेकेंड दबा के रखो, ताकि जो अंदर का फ्यूल है वो जल जाए, जब फ्यूल जल जाए उसके बाद आपका चैनसा सही से काम करने लगेगा। वीडियो में आपको किसी भी तरह की जानकारी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।